सिवान के जो हमारे जीजा जी है धर्मेश बर्नवाल, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बर्नवाल समाज को यहाँ एकत्रित इतने अच्छे ढंग से किया और इस समाज नहीं, इस तरीके का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक में हिस्सेदारी। और राजनीति में हिस्सेदारी 1947 में भारत आज़ाद हुई थी, और उस आज़ादी में जब संविधान बना था तो संविधान में लिखा नहीं गया था कि बर्नवाल वैश्य समाज किसी का पैतृक अधिकार बनकर रहेगा। आज हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, उस चौराहे पे हमारे परिवार, हमारे खून और खानदान के लोगों को राजनीति में भागीदारी नहीं दी जा रही है, और उस राजनीति में भागीदारी दिलाने के लिए सभी जिलों में हमारा कार्यक्रम है। कार्यक्रम दूसरा जिला हमारा सिवान है, और सिवान में ये कार्यक्रम बर्नवाल परिवार का नहीं है, बल्कि कार्यक्रम हमारे कमेटी के लोगों का है। पूरे बिहार के जो हमारा प्रदेश का कमेटी है, वो कमेटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कमेटी का प्रोग्राम है। और जब पूरे सिवान का कार्यक्रम कराएंगे तो यहाँ पे 20,000 लोग आएंगे, तो इसलिए हम कमेटी का पहले कार्यक्रम करा रहे हैं। और कमेटी में मुख्य एजेंडा जो हमारा है, हम बर्नवाल समाज के लोग किस चौराहे पे खड़े होकर के और तन्मयता के साथ में श्रवणकर्ता के रूप में ताली बजा रहे हैं, उस ताली को हम बजाने वाले लोगों में से अब नहीं हैं, बल्कि मंच पर प्रवचनकर्ता के रूप में हम बोलने वाले लोगों में से हैं। करेगा राजनीति में लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में हिस्सेदारी, विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में हिस्सेदारी, पंचायत स्तर का चुनाव है उसमें हिस्सेदारी, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है उसमें हिस्सेदारी, सभी चीज़ों में हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। आगे क्या कुछ करेंगे? नहीं नहीं, गोली भी हम, गाली भी हम, श्रवणकर्ता भी हम, ताली भी हम बजाते हैं, पंडाल भी हम ही लगाते हैं, लाउड स्पीकर भी हम ही लगवाते हैं, तो अब नहीं चलेगा। अब हम लोगों ने हम लोगों ने प्रारूप बनाया है, हम लोगों ने प्राकलन बनाई है, और हम लोग उसी मार्ग को प्रशस्त करेंगे जिस मार्ग को किसी राजनीतिक दल अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा, उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज तक आप लोगों से दरी बिछाई गई है? हाँ बिल्कुल, 100% दरी बिछाया गया है, और अब दरी बिछाने वाले लोगों में से नहीं है, अब वो दिन चली गई है। अब हमारे हम मंच पर प्रवचनकर्ता के रूप में रहेंगे, और कोई दल बैठ करके तय करेगा हमारे हमारे समाज के लोगों के साथ में, उसी दल को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। अभी बर्नवाल बंधुओं से ये विनती करता हूँ कि आप भी अपने आप को कम नहीं समझें, आप बहुत सक्षम हैं, हर तरह से सक्षम है, समाज में, व्यवसाय में सबसे सक्षम है, तो आप लोग हर तरह से बढ़ सकते हैं सामाजिक राजनीतिक दिशा में, आप लोग भाग लीजिए और हर राजनीतिक मंच पे आप लोग सक्रिय रहिए। आपके क्षेत्र में जो जो पार्टी भी आपको लगती है कि सही पार्टियां हैं, उनके मंच पर आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, सही प्रत्याशी हैं उनको आप लोग पूरा भरपूर सहयोग कीजिए। ये नहीं कि राजनीति हमारा चीज़ नहीं है, अब जी राजनीति अब सबका चीज़ है। और सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, ये जो प्रोग्राम है ये बर्नवाल समाज के उत्थान के लिए किया जा रहा है, और मैं यहाँ समाज को अपना इतना अमूल्य सहयोग दिया, अपना समय दिया, और हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए बर्नवाल समाज के विकास के लिए, और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं और बर्नवाल समाज के विकास के लिए सभी सहयोग का वादा किया है। धन्यवाद। किस तरह का आप विकास चाहते हैं? सरकारें विकास तो कर ही रही हैं, आप थोड़ा किस तरह विकास चाहते हैं? विकास कोई एक तरह का नहीं होता, विकास एजुकेशनल हो सकता है, सामाजिक रूप से। एक्चुअली अभी बर्नवाल समाज का समाज में कोई वो स्थान नहीं मिला है जो स्थान सही मायने में होना चाहिए। राजनीति तो चाहिए ही हमें, शैक्षणिक स्तर पर भी चाहिए और राजनीतिक स्तर पर भी हमें बहुत अच्छा अधिकार चाहिए। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आज यहाँ बर्नवाल बंधु लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और धर्मेश बर्नवाल जिस तरह से सब को यहाँ एकत्रित करके एक संगठन के रूप में कार्य करने का बीड़ा उठाए हैं, और यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोग आए हैं वो सहयोग का वादा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में बर्नवाल समाज एक बहुत ही बड़ा समाज बनकर निश्चित ही उभरेगा। बर्नवाल समाज लोग इकट्ठा हुए हैं, नया करने का इरादा है? हाँ ऐसा है, आज जो बर्नवाल लोग इकट्ठा हुए हैं
का जोश देखते हुए लग रहा है कि बर्णवाल में युवा वर्ग काफ़ी आगे आ रहे हैं, जो पहले नहीं आते थे। अब युवा वर्ग आगे आकर समाज के उत्थान के लिए लोग अपना शारीरिक आर्थिक सभी तरह से सहयोग देकर इन्हें